डीसीपी साउथ जोन साई चेतनिया ने कहा है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो पयाम में कहा कि 20 अक्टूबर को पहले मरहले में इजाफी पुलिस तलब की गई है, जिनके क़याम मुताम का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से मुसलसिल रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की जा रही है और उनकी सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 200 अफराद को पाबंद मचल का किया गया है। उन्होंने कहा कि साउथ जोन में 608 मराकज़ रायदही बनाए जा रहे हैं, जिनमें 280 हसास पुलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। साउथ जोन में बहादुरपुरा, चार मीनार, याकूतपुरा, चंद्रानगुट्टा, मलकपेट के अलावा राजेंद्र नगर का कुछ हिस्सा भी आता है। मुतल्लिका मुकाम की जानिब से पुलिस नोडल ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं, जिनके साथ तालमेल को यकीनी बनाया जा रहा है। सबका आदाब। हैदराबाद सिटी पुलिस अभी चुनाव जो 2023 का चुनाव तेलंगाना स्टेट असेंबली का, उसके लिए तैयारी पे है। हैदराबाद सिटी में साउथ जोन पे अराउंड 608 पोलिंग स्टेशन है, उसमें 280 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए हैं। उसको ऐसा पूरा हैदराबाद साउथ जोन पे डिफरेंट डिवीजन, डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक बहादुरपुरा है, एक चारमीनार है, याकूतपुरा है, चंद्रानगुट्टा है और मलकपेट एंड राजेंद्र नगर का थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तो सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से पुलिस नोडल ऑफिसर अपॉइंट की गई, उनसे कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन पे, और बाहर से भी फोर्स आ रहे ताकि एंटायर इलेक्शंस पीसफुल हो जाए। कि फोर्स सीएपीएफ का फोर्स अलग अलग फेसेस पे आते हैं, जो पहले फेस 20 अक्टूबर को आ रहे हैं, उनके लिए अकोमोडेशन साइट्स भी देखा गया और उन लोग का साइट से भी डीआईजी सीआरपीएफ भी आके साइट्स देख के उनका अप्रूवल भी दे दिया कि अकोमोडेशन लायक है। उसके बाद जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो हमारा सीपी साहब का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक ही मोटो टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कोई भी तरह का कि जबरदस्ती एंटी सोशल एलिमेंट का थ्रू नहीं होना, और साथ साथ कोई भी एंटाइसमेंट जैसे कि फ्री बीस या मनी डिस्ट्रीब्यूशन या लिखकर या कोई और चीज का रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, ताकि वोटर अपना वोटिंग हक को विदाउट एनी डर या किसी एंटाइसमेंट के बिना कुछ का करने के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। अभी रेगुलर कंटिन्यूस रॉडी काउंसलिंग चल रहे और रेगुलर बेसिस पे बाइंड ओवर चल रहे, अभी तक तकरीबन 200 लोग के आसपास बाइंड ओवर हुआ और आगे भी बाइंड ओवर होते रहेंगे। और ऑडी काउंसलिंग और जो भी एंटी सोशल केडी सीडीसी सबको ऊपर हम लोग नजर रखे और साथ साथ उन लोगों को ऊपर काउंसलिंग एंड रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे, ताकि उनको एंटी सोशल एक्टिविटीज का साइड नहीं जाना और उन लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे लाने के लिए कोशिश भी चल रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।